नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Motorola Edge 50 Fusion 5G versus Realme Nazo 70 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 Fusion में 6.38 इंच जबकि 70 Pro 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 50 Fusion में 2.88 इंच जबकि 70 Pro 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 Fusion में 175 ग्राम जबकि 70 Pro 5G में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 50 Fusion से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 50 Fusion में PoLED जबकि 70 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 Fusion में 90.7% जबकि 70 Pro 5G में 87.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50 Fusion में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 70 Pro 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50 Fusion में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 70 Pro 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 Fusion में Adreno 710 जबकि 70 Pro 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 Fusion में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और 70 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो 50 Fusion में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि 70 Pro 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 50 Fusion में 3 कलर्स जबकि 70 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 27,900 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 70 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,621 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं रियलमी नाजो 70 प्रो 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 50 फ्यूजन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V35G है, दूसरा Xiaomi 14 Civi 5G है, तीसरा टेक्नो कैमन 30 Premier 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 12R 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।